खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम ये श्री भगवान मायनन चेतन जी द्वारा जो पद है सदा यस निर्मल भक्ति गहो, इसका मनन करेंगे। श्री मायनन चेतन जी इस पद में कहते सदा यस निर्मल भक्ति गहो। तो दुनिया में बहुत सारी भक्ति के रूप प्रचलित हुए हैं, परंतु जो वेद अनुभव है उस किसकी ओर इंडिकेट कर, अनन भक्ति, कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि इन सबों में मुझे अनन भक्ति ही है इष्ट। तो अनन भक्ति क्या है, सदा निर्मल भक्ति क्या है, इसकी ओर श्री मायानंद चेतन जी निर्देश कर रहे हैं कि इस भक्ति को प्राप्त करो, इस निर्मल भक्ति को हमें ग्रहण करें। जप तप साधन गुण कृत लहरें निज लीना न बहो, तो निज लीना ना कहो कि जब तब साधन गुण कृत लहरें। तो जब तब साधन जो आदि जो संसार में प्रचलित हुए हैं, यज्ञ दान तप वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जब के आदि जो बहुत सारे प्रचलित हैं, यह गुण कृत लहरें, क्योंकि इसमें हम किन्हीं एक गुणकर्तापन के अभिमान में रह करके, वो कर्तापन के अभिमान में द्वैत भावना में बह करके अपना जो स्वाभाविक गुण कर्म है वो नहीं कर पाते। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले जो अर्जुन को संदेश दिया, दिशा निर्देश दिया कि त्रिगुण विश्ववेद अनिस्त्रिगुण भवार्य, हे अर्जुन अगर अपना स्वकर्म करना है त्रिगुण विश्ववेद अनिस्त्रिगुण, जो वेद में आदि में त्रिगुणों की बहुत चर्चा की गई है, तो उनकी आगे जो निस्त्रिगुण भवार्य उनका साक्षी भाव होकर जब नहीं रहेगा तब तक अपना तो स्वकर्म नहीं कर सकता है। ठीक, तो अब ये जब तक हम इस साक्षी भाव में नहीं आते हैं तब तक हम गुणों में फंसे रहते हैं। इसलिए श्री मायानंद चेतन जी ने जब आरती लिखी श्री नर्मदा जी की, तो ब्रह्मा विष्णु सदा से यह गुण सुध तुम्हारे, जो हैं करता धरता हरता रूप धरे, तिनको गावत ध्यावत सुध तुमरी बिसरे, इस कारण जब डूबा सुख दुख में गहरे। तो इस इन तीन गुणों के कारण, इनके कर्तापन के अभिमान के कारण, तो हम अपना जो मतलब जो निज मूल का अधिष्ठान है उसमें नहीं पा पाते, योग माया समावर्ता। तो इस योग माया से जो ज्ञान ढका हुआ है मूड मुझे नहीं भजते हैं। ठीक है, तो असमूणा जानाती पुरुषोत्तमा भजति माम सर्वभावेन भारत है। तो जो असमूण अब वो जान करके ज्ञातुम दृष्टुम तचत्युम प्रविष्टम, इसे जान करके सर्वांग योग पद्धति के माध्यम से जो दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि का जो भेद है उपधर्म है, इसको जब सामिप्य पे पहुँच जाते हैं तब इस जो ज्ञान विज्ञान की चर्चा है इसका महत्व हमें दिग्दर्शन होता है। अतः हे मित्रों भगनियों भाइयों बहनों, सभी के लिए संदेश है कि जो डिस्क्रिप्शन में सर्वांग योग का मतलब पाठ दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, इस पर जरूर जाएं और सर्वांग योग से संबंधित चीज़ें पढ़ें। साथ ही में अब लिंक पर जो अध्यात्म विज्ञान शाला का जो लिंक एड्रेस है वहाँ पर ओमकारेश्वर में स्थापित है, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर जाएं और प्रत्यक्ष ज्ञान विज्ञान की चर्चा के द्वारा इस आनंद की वार्ता, इस दिव्य संदेश दिव्य अनुभूति को प्राप्त करें। प्रकृति लखे सो पुरुष खावे यह अभिमान न हो, जब इस जब दृष्टा दृष्ट भाव में आकर के हम दृश्य को रखते हैं तो अभिमान न हो, क्योंकि जो दर्शन है दर्शन से दृश्य और दृष्टा का दोनों अभेद संबंध है, क्योंकि यह दुधा मना अस्तित्व जो कि सांख्य शास्त्र आदि प्रकृति पुरुष के माध्यम से वह अभी जो द्वैत में ही फंसा हुआ है, परंतु श्री मायानंद चेतन जी की विद्या का यह रहस्य है, कमाल है कि इन दृश्य दृष्टा को दर्शन भाव में जोड़ देते हैं। तुम दृश्य मास्टर के दृष्टा यह विश्व तुम्हारी चेष्टा, तुम छोड़ो भ्रम की लाज आज तुम जानो समय है। इस दर्शन के माध्यम से दृश्य दृष्टा का अभिन्न संबंध हो जाता है, इसी को यहाँ पर प्रकाश दिया गया है, क्योंकि जो वेदांत आदि तमाम विश्व के जो विचार हैं इसी भाव में फंसे हुए हैं। जैसे जो दृश्य से दृष्टा को पृथक मानने के कारण है, जो सदुरु का स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप उसी के साथ हमारा भेद है। श्री मायानंद चेतन जी जब सर्वधर्म परिषद को संदेश लिखा तो उसमें पहली लाइन की यह जो विश्व आदि मध्य अंतर है जो ये दिख रहा है सचराचर,
यही परमात्मा का सगुण स्वरूप है, इसी की भक्ति हमें करनी है। परंतु इसके बारे में संपूर्ण विश्व में जो जिस परमात्मा का स्वरूप अधिष्ठान, उसी के साथ हमारा दुर्व्यवहार हो रहा, तो सा महात्मा सुदुर्लभा। उस दुर्लभ महात्मा जो नारायण पद पे विशेष विभूति ने इस ज्ञान विज्ञान में हमें प्रवृत्त किया है, उसी को और आगे बढ़ें, उस प्रत्यक्ष योग युक्ति को समझें, फिर हम इसको भेद समझ जाएंगे। प्रकृति लखे सुपुरुष कहावे यह अभिमान हो, मायानंद कहें सत्यचिन सन मुझ में बैठी रहो। मायानंद कहें, श्री मायानंद चेतन जी यह ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, सत्यचित सन जब सत्यचित आनंद सत्यचित सन, तो सत जो यह स्वरूप सत है, चित अक्षर भाव से सन, और उसमें जो अभेद होकर के दोनों का जो एकता है पुरुषोत्तम भाव मुझ में बैठे, इस पुरुषोत्तम भाव से जो वस्तु का अधिष्ठान है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस आत्यंत सर्वे खलुदम ब्रह्म, इसका आत्यंतिक अनुभव हम प्राप्त करें, इसी की ओर श्री मायानंद चेतन जी इशारा कर रहे हैं। फिर लखो सब दृश्य सु निज प्रिय मोद प्रभु भव, जब इस अनन्य भाव से कि अस्ति रूप सतनाम है जह तह लख में आए, अस निश्चय जिसके ही ये सो अनंत पद पर, अस्ति ब्रह्मेति संत मैनम तत्व, यही अस्ति अनंत नाम रूपों में वही प्रकाशित हो रही है, ठीक है, तो वही ये अनंत नाम रूप में वही अस्ति ही है। जब ये सब भेद जाने तो अनन्यता हृदय में आएगी, यही अनन्य भक्ति ही निर्मल भक्ति है, ठीक है। तो इस निर्मल भक्ति प्राप्त करने जो अपना स्वकर्म है अच्छे तरीके से किया जा सकते, यह लब्ध चापरम लाभम न मन से अधिकम तथा अस्में स्थित योगी गुरुपि न विचार लेते। इसी अनन्य भक्ति को प्राप्त करके कि तीव्र वेग में भी, मतलब अगर बड़े से बड़े आघात आ जाने के बाद भी वह अपने स्वकर्म से च्युत नहीं होता, ठीक, और इस अनन्य भक्ति में जो जिसका दिग्दर्शन कह रहे हैं, तो कर्म भक्ति उपासना जो त्रिविध भेद हैं वेदों का सार भी इसी अनन्य भक्ति निर्मल भक्ति को प्राप्त करके मिल सकता है, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का पाथ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, और आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सद्गुरु भगवान की जय।